Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से मिला लीजिए. ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा पिछली क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको मैच कर लो अच्छी तरह से, जहां पर गलतियां हैं वहां पर सुधार लो. ओके फ्रेंड्स, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में इसको आप मैच कर लेना, टैली कर लेना, आप मिला लेना. जहां पर गलतियां होंगी वहां पर आप सुधार लेना. ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड जो पिछली क्लास में मैंने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये उसी का पार्ट है. ओके फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है. आप किसी भी बुक में क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव दोनों अलग अलग नहीं देखेंगे. सिर्फ मैंने इसको अलग किया हुआ है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए. ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड में हम WH, व्हाट, व्हेन, हु, हुज, व्हेयर, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं. चलिए देखते हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं. ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स. आप इनको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो आप, या लिख लो, और इनको अच्छी तरह से याद कर लो. ओके फ्रेंड्स, जब तक ये याद नहीं होंगे इनसे जुड़े हुए सेंटेंसेस आप नहीं बना पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं. एक सेंटेंस मैं लेता हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मुलेशन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जितने भी आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स. ओके फ्रेंड्स, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है. दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे. इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ. आपने लिस्ट में देखा, इसमें सेंटेंस में कहाँ क्वेश्चन वर्ड है. अभी आप लिस्ट में देखोगे कहाँ क्या इंग्लिश क्या होता है, कहाँ का होयर होता है, सबसे पहले लिखेंगे होयर. ओके फ्रेंड्स, होयर. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? तुम्हारा घर है, तो योर हाउस, यानी कि एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो इज आएगा, वेयर इज योर हाउस. ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे सेंटेंस हम बनाएंगे. जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा किसी सेंटेंस में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद पूरा सब्जेक्ट लिख देंगे या बाकी कुछ आएगा उसके बाद लिख देंगे. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लिखते हैं कि तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो. ओके फ्रेंड्स, तो क्यों का इंग्लिश लिखेंगे पहले हम व्हाई, उसके बाद तुम के लिए यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो व्हाई आर यू एंग्री. ओके फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव इसमें जोड़ते हैं कि तुम नाराज क्यों नहीं हो. ओके फ्रेंड्स, तो तुम नाराज क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट एंग्री. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाई आरंट यू एंग्री. ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोगेटिव में बताया था कि इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, आरंट, इजंट. ओके फ्रेंड्स, ये हो गए क्वेश्चन वर्ड्स के बनाने के तरीके. अभी कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनको हम बोलते हैं किसी और तरीके से हैं, जैसे वह किसका घर है, वह किसका घर है. ओके फ्रेंड्स, वह किसका घर है, तो अगर हम इसको इसके हिसाब से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, हुज इज दैट हाउस. ओके फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं. बट बोल चाल में ऐसे इस्तेमाल होता है, हुज हाउस इज दैट. जब भी हुज वाला सेंटेंस आए, किसका किसकी वाला, तो वह किसका घर, किसका घर जैसे कितना कितनी होता है उस तरह से किसका किसकी वाला भी होता है. तो किसका घर, तो किसका घर हम साथ में बोलेंगे, हुज हाउस इज दैट. ओके फ्रेंड्स, बोलने के ये तरीके हैं और ये भी सही है, बट ज़्यादातर इस्तेमाल यही होता है. ओके फ्रेंड्स, ये रहे क्वेश्चन वर्ड्स. अब हम इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं. तुम कौन हो, हु आर यू. तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ.
तुम्हारा भाई कहाँ है? वेयर इज योर ब्रदर? मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई शूज? तुम्हारे पिताजी क्या हैं? वट इज योर फादर? तुम्हारा भाई क्या है? वट इज योर ब्रदर? वह खुश क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट हैप्पी? या वाई इजंट ही हैप्पी? वे लोग तैयार क्यों नहीं हैं? वाई आर दे नॉट रेडी? या वाई आरंट दे रेडी? वह किसकी बाइक है? हुज बाइक इज दैट? ओके फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि हुज इज दैट बाइक, बट बोलचाल में हुज बाइक इज दैट यह इस्तेमाल होगा। ओके फ्रेंड्स, वह किसकी कार है? हुज कार इज दैट? तुम किसके भाई हो? हुज ब्रदर आर यू? किसके पिताजी डॉक्टर हैं? हुज फादर इज डॉक्टर? तुम्हारी परीक्षा कब है? व्हेन इज योर एग्जाम? मैं कैसे गलत हूँ? हाउ एम आई रॉन्ग? तुम कैसे सही हो? हाउ आर यू राइट? उसका इरादा गलत क्यों है? व्हाई इज हिज इंटेंशन रॉन्ग? उसका घर छोटा क्यों है? व्हाई इज हिज हाउस स्मॉल? तुम्हारे पिताजी गरीब क्यों हैं? व्हाई इज योर फादर पुअर? ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप इन सेंटेंसेस को लिख लो। ये रहे सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को आप लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर सेव रखने में ज़्यादा सहूलियत होती है तो वो करो, या नोटबुक लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक नोट्स तैयार होता जाएगा आपके लिए और आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसे इंग्लिश नहीं आती है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई नज़दीकी है, आपका कोई पड़ोसी है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो फ्रेंड हमारे वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।